कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने टीवी शो से दर्शकों को बहुत हंसाते हैं। जल्द ही कपिल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाले हैं। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो 2018 में कपिल ने गिन्नी चतरथ से शादी की। बीते साल ही उनके दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। कपिल अपने शो में कई बार खुद भी इस पर मजाक बनाते रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में आपको बता दें कि कपिल ने अपनी लव लाइफ पर खुलकर बात की और बताया कि गिन्नी से उनकी मुलाकात कैसे हुई और ये लव स्टोरी इतनी भी आसान नहीं थी। कपिल बताते हैं कि गिन्नी बहुत अमीर परिवार से है। वो जिस कार से आती थी उसकी कीमत उस वक्त उनके पूरे परिवार की कमाई से भी ज़्यादा थी। कपिल ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में बातचीत के दौरान उन्होंने बताया थी कि गिन्नी गर्ल्स कॉलेज में थी, जालंधर के कॉलेज से वो ग्रेजुएशन कर रही थी। मुझसे 3-4 साल जूनियर थी और मैं एक को एड कॉलेज में कमर्शियल आर्ट्स में पीजी डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा था। पॉकेट मनी के लिए मैं थिएटर करता था और दूसरे कॉलेज जाता था। कपिल आगे कहते हैं कि वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। अब निश्चित रूप से शादी के बाद वो मेरी टीचर बन गई है। वो फनी परफॉर्मेंस लिखने में और नाटक से संबंधित चीज़ों में अच्छी थी, इसीलिए मैंने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया था। तब मुझे पता चला कि मैडम मुझे पसंद करने लगी हैं। इसीलिए मैंने उन्हें समझाया कि आप जिस कार में आती हैं उसकी कीमत मेरे पूरे परिवार की कमाई से ज़्यादा है, तो ये हमारे बीच बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बता दें कि कपिल शर्मा का परिवार कभी बेहद तंगी से भी गुजर चुका है। हालांकि आज कपिल अपनी मेहनत के बल पर कॉमेडी की दुनिया के बादशाह बन चुके हैं। जल्द ही नेटफ्लिक्स के शो आई एम नॉट इन एट में नजर आएंगे और ये शो 28 जनवरी को स्ट्रीम होगा। तो आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।